सत श्रीकाल दोस्तों, शिव कुमार बटालवी एक ऐसा कवि साडे समाज नू तोहफे वजो मिलिया जिसने अनेक काव्य रचनावां साडे समाज नू अपने पाठकां नू स्रोतियां नू दित्तियां ते अज वी उहनां दे पाठक ते स्रोते उन्ना ही दिलचस्पी ते तांग नाल उहनां दे जीवन नू जानना चाहुंदे हन। इसे ही लड़ी तहत साडा पंजाबी विरसा चैनल दी ए वीडियो दे विच तुहानू जाणू करवावांगे शिव कुमार बटालवी जी ने सब तो पहला केड़ी काव्य रचना लिखी ते कदों लिखी ते उन्होंने काव्य रचना लिखण दा शौक किवें पाया उस सारे किस्से बारे तुहानू जाणू करवावांगे इस वीडियो दे जरिए। जो ये किस्सा मैं पढ़ के सुना रहा सोहिंदर बीर दी किताब विचों शिव कुमार जीवन अते कविता। शिव कुमार दे पिंड बड़ा पिंड लहोटियां दे कोलों लंघदी बसंतर नदी बारे अमृता प्रीतम ने लिखिया है कि शिव कुमार जदों जम्मिया सी तां उसदी मां ने अग दी नदी विचों पानी लिया के अपने पुत्तर नूं चखाया। बसंतर नदी बारे जो होर जानकारी प्राप्त हुंदी है वह यह है कि इसके आसे पासे काई काफूज अते दूर तक जंगल बेला भी फैलिया होया सी। शिव कुमार दे मुढ़ले जीवन बारे ये जानकारी भी प्राप्त हुंदी है कि वह रूमानी सुभा अते मिठी आवाज वाला बालक सी। सारा सारा दिन अपनी इकलता विच गुम हो के बसंतर नदी दे पत्थरां गीटियां संग खेड़दा रहिंदा सी अते कदे पिंड दे मुंडियां कुड़ियां अते सुहाणियां दियां टाणियां विच सुरीले गीत गा के उन्हां दा मन परचाउंदा रहिंदा। अपने वड्डे भरा द्वारका दे सुभा दे मुकाबले ओह बिल्कुल ही नवेकली तरां दा निकलिया सी। बसंतर नदी दी सुंदरता अते पिंड दियां महफलां उसदे बचपन दी विशेष खिच्चां बणियां। रूमानी सुभा दा होण करके उसदा नां बड़ा पिंड लोटियां दे इक मस्त मलंग दे नां ते मंदो मलंग पै गया। बसंतर नदी दे कंढे ते कदे ओह बालक मित्रां संग अते कदे इकला घंटियां बधी खेड़दा रहिंदा। इस इकलता दे माहौल ने शिव कुमार नूं कावक सुभा दा बनाउण विच अपना अहम हिस्सा पाया। पिंड दी रहणी बहणी अते जीवन जाच बचपन विच उसदे अंग संग रही सी। बचपन दे साध मुरादे प्रभावां अते आले दुआले दे सहज ने उसदे काव्य सिरजना वेले अपना गहरा असर विखाया सी। शिव कुमार ने मुढ़ली विद्या अपने पिंड विचों ही हासिल कीती अते चौथी जमात विच ओ वजीफा लैके पास होया। पंजवीं जमात विच शिव कुमार नूं उसदे पिता ने डेरा बाबा नानक विखे स्कूल विच दाखल करवा दिता। कुछ समय बाद ही साडा देश आजाद होया अते नाल ही उसनूं फिरकू फसादा दा शिकार होना पिया। 1947 दी भारत पाकिस्तान दी सरहदी वंड दे दुखांत नूं शिव कुमार ने 11 साल दी बाल उम्र विच वेख्या। इस कलंकित कारे दा बाल मन उपर गहरा असर होया। इस दुखांतक एहसास नूं शिव कुमार ने अपनी एक कविता दुद्ध दा कतल विच इस तरह बयान कीता है। मैनू ते याद है अज वी ते तैनू याद होवेगा जदों दोहां ने रल के अपनी मां दा कतल कीता सी। उसदा लहू जिद्दां कुत्तियां कावां ने पीता सी। अपना नां असीं सारे ही पिंड विच पंड लिता सी। मैनू ते याद है अज वी किवें घर नूं है अग लगदी ते तैनू भी याद होवेगा जदों असीं रात व्योहणे अर्ध तड़त कर कर लियाए सां। असीं मां दे कतल उपर बड़ा ही मुस्कुराए सां। असीं इस कतल लई दोवें ही मजहबां दे पढ़ाए सां ते दोवें ही कपुत्तर सां ते मजहबी जून आए सां। मेरी दुध दी उमर मां दे कतल संग कतल हो गई सी ते ठंड दुध दी ही ते ठंड दुध दी ओ लाश तेरे घर दी सौ गई सी। ते जिसनू अज भी मैं याद करके चुप हो जांदा तेरे हिस्से विच आए अर्ध धड़ विच रोज खो जांदा
मेरे हिस्से विच आया अर्ध धड़ मैनू माँ का नहीं लगता, तो उस हिस्से विच मेरी अर्ध लोरी नज़र नहीं आउंदी, मेरे हिस्से दी मेरी माँ अधूरा गीत है गाउंदी, ते तेरे अर्ध धड़ दे बाज मेरा जी नहीं लगता, मेरा ता जन्म तेरे अर्ध धड़ दी कुख चों होया सी, मेरे हिस्से च आया अर्ध धड़ मेरे ते रोया सी, ते मैथों रोज पुछदा सी ओदा कतल क्यों होया सी, ते तेनू याद करके कई दफा तेरे ते रोया सी, ते तेथों भी ओ पुछदा सी ओदा क्यों कतल होया सी, माँ दा कतल ता होया सी माँ दा दिल ना मोया सी, मावां दे कदे भी दिल किसे तो कतल नहीं हुंदे, पर तू अज फिर माँ दे दिल दे उपर वार कीता है, कतल हो चुकी होई माँ दा दोबारा कतल कीता है, ते सुकियां छातियां दा दुध तक भी वंड लिता है, पर ए याद रख मावां दा दुध वंडिया नहीं जांदा, ते ना मावां दे दुध दा दोस्ता कदे कतल हुंदा है, ए ऐसा दुध है जिसनू कदे भी मौत नहीं आउंदी, पावें तारीख कई वारी है, पावें तारीख कई वारी है दुध दा भी कतल चाहुंदी, पावें तारीख कई वारी है दुध दा भी कतल चाहुंदी, एक ऐसा दुध है जिसनू कदे भी मौत नहीं आउंदी, पावें तारीख कई वारी है दुध दा भी कतल चाहुंदी। दसवीं जमात पास करन उपरंत ओ बैरिंग क्रिश्चियन कॉलेज विच साइंस दा विद्यार्थी बन गया। शिव कुमार दे मलंगी अते गायकी वाले सुभा नू विज्ञान दे विषय किवें रास आउणे सन, सारा साल कॉलेज दियां काव महफलां नू गरमाउण वाला शिव इम्तिहान वाले दिन ठंडा यक होया पिया सी। बाद विच उसने पावें कॉलेज बदलिया अते विषय भी आर्ट्स दे लए, पर ओ एफ एस सी दी सरहदी रेखा नू पार कर ना सकिया। ओ कॉलेज विच होण वाली हर साहित्यक अते गैर साहित्यक महफल दी रूह ए रेवां हुंदा सी। डॉक्टर जीत सिंह शीतल अनुसार शिव कुमार जिवें प्यार विच नाकाम सी, उस तरह ही सिक्ख्या दे खेतर विच ओ असफल ही रहा। दोस्तों, ये पहला भाग शिव कुमार बटालवी जी दा ताडे रूबरू कीता है। असी जल्द तो जल्द दूसरा भाग भी तुहाडे रूबरू करांगे, जिदे विच होर कई वधेरे जानकारी शिव कुमार बटालवी जी दे बारे ताडे तक पहुँचावांगे। ते हुण लई दिओ इजाजत प्री डुगरी दे नाल साडा पंजाबी विरसा। धन्नवाद दोस्तों।